वर्सेस गोल्ड फील्ड लेदर वर्क्स। सरदार तारा सिंह वर्सेस गोल्ड फील्ड लेदर वर्क्स। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया कि ये जनरल रूल है कि स्टेटमेंट ऑफ अ लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन का स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिसीव्ड अनलेस दे आर अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, जब तक वो स्टेटमेंट उस लिविंग पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होता है तब तक उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट नहीं मान सकते हैं। दिस हैज बीन हेल्ड इन सरदार तारा सिंह वर्सेस गोल्ड फील्ड लेदर वर्क्स। तो लिख लो, इट हैज बीन हेल्ड दैट एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 21 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को डिटेल में समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड विथ केस लॉज। देखो, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एडमिशन के कंसेप्ट को डिटेल में समझा। हमने सेक्शन 17, 18, 19 और 20 इन चारों सेक्शंस को डिटेल में देखा विथ नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड विथ केस लॉज। तो अगर आप वीडियो में नए हो और एडमिशन के कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राइट, देखो सेक्शन 21 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते रहे हैं और वो लॉन्ग क्वेश्चन रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एडमिशन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिशन, एडमिशन से आप क्या समझते हो। Who can make it? Who can make it? ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है जो सेक्शन 21 पे बेस्ड होता है, जैसे एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स इट डिस्कस, तो ये भी हो सकता है। एडमिशन cannot be proved, admission cannot be proved by or on behalf of person, on behalf of person who makes it discuss। क्या पूछ सकता है, whether admission can be proved by or against the person who is making them। तो ये different kinds of questions हैं जो admission से arise हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 21 को डिटेल में समझेंगे। राइट, चलिए। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो एडमिशन का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये एडमिशन के ऊपर सेकंड लेक्चर है। जहां हम सेक्शन 21 से डील करेंगे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 17, 18, 19 और 20 इन सभी सेक्शंस को देख लिया था। देखो, सेक्शन 17 में हमने ये जाना कि एडमिशन क्या है। एडमिशन एक स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है It can be oral, writing, documentary या electronic records। तो statement जो oral, writing, documentary, electronic records के फॉर्म में हो सकता है, जो एक inference ड्रॉ करता हो, जो एक कंक्लूजन की ओर लेकर के जाता हो, वो एडमिशन है, राइट। और सेक्शन 18, 19, 20 में हमने ये समझा कि इन पर्सन्स का स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ एडमिशन एडमिशिबल होता है बिफोर द कोर्ट। किन किन सर्कमस्टांसिस में? उन सर्कमस्टांसिस में जो मेंशन है सेक्शन 18, 19, 20, राइट। अब आइए सेक्शन 21। देखो सेक्शन 21 कहता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। देखो हमने जाना कि एडमिशन या जो स्टेटमेंट है वो तीन टाइप्स के हो सकते हैं, एक सेल्फ सर्विंग, दूसरा सेल्फ हार्मिंग और तीसरा नो कंक्लूजन। एक पर्सन अगर स्टेटमेंट दे रहा है बिफोर द कोर्ट जो उसके इंटरेस्ट के फेवर में है तो वो एडमिशन नहीं है, लेकिन अगर एक पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है बिफोर द कोर्ट इन एनी फॉर्म whether oral, writing, documentary और electronic records, और वो जो statement है वो self harming है, उसके interest के against है, तो इसे proof करने के लिए उसे further evidences नहीं लाने हैं और ये admissible है in form of admission before the court, right। इस पर हमने एक केस भी देखा था, तो सेक्शन 21 देखो हमारा जो सेक्शन 21 है वो एक जनरल रूल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन अ जनरल रूल, और वो जनरल रूल है कि एडमिशंस आर रेलेवेंट। एडमिशंस क्या है? रेलेवेंट है। कब? Admissions are relevant and may be proved against the person who makes them। तो एक पर्सन जो कोई स्टेटमेंट दे रहा है बिफोर द कोर्ट और वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तभी एडमिशन के तौर पे वो एडमिशिबल होगा बिफोर द कोर्ट, राइट। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन कभी भी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा, राइट। तो सेक्शन 21 इसी जनरल रूल पे बेस्ड है कि एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, राइट। तो सेक्शन 21 इज बेस्ड ऑन जनरल रूल दैट एडमिशंस आर रेलेवेंट, एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड may be proved against the person who makes them or his representative in interest। अब जैसे देखो एक केस था हमारा, हीरा चंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट। इसमें क्या था? इसमें यह कहा गया, इस केस को हमने डिस्कस किया था सेक्शन 17 में। इस केस में यह कहा गया वेयर अ पार्टी रेफर्स टू अ थर्ड पर्सन, जब एक पार्टी किसी थर्ड पर्सन को रेफर करती है फॉर सम इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन द कोर्ट, ताकि वो थर्ड पर्सन कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे बिफोर द कोर्ट, या जो मैटर इन डिस्प्यूट है बिफोर द कोर्ट उस पर अपना ओपिनियन दे। तो अगर वो थर्ड पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है और वो उस पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है जिस पर्सन ने उसे रेफ़र किया था, तभी वो एडमिशन के तौर पे रिसीबल होगा, एडमिशन के तौर पे एडमिसिबल होगा। अगर वो थर्ड पर्सन जिस पर्सन ने उसे रेफ़र किया है उसके इंटरेस्ट में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिशन के तौर पे एडमिसिबल नहीं होगा। ये कहा गया था हीरा चंद कोठारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि एडमिशन्स तब रेलेवेंट माने जाएंगे, तब एडमिशिबल होंगे जब जो मेकर ऑफ एडमिशन है, मेकर ऑफ एडमिशन जो है वो जो भी स्टेटमेंट देता है वो स्टेटमेंट क्या हो? सेल्फ हार्मिंग हो, यानी उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। और अगर मेकर कोई स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो इसे प्रूफ करने के लिए उसे फर्दर एविडेंसेस नहीं लाने होंगे। यही कहता है सेक्शन 21। लेकिन सेक्शन 21 में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, राइट, जहां जो मेकर है अगर कोई स्टेटमेंट देता है अपने बिहाफ में या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कोई स्टेटमेंट देता है अपने पार्टी के बिहाफ में तो वो एडमिशिबल होगा और रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यह है जनरल रूल ऑफ सेक्शन 21 दैट एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये जो जनरल रूल है वो किस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है? The principle underlying this rule of law is quite clear. ये बहुत सिंपल है और देखो it is natural and easy for a man. आप जानते हो कि कोई भी पर्सन कोई भी स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर वो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट दे रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं वो सच बोल रहा है। हाँ, हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना होगा कि वो किसी आउटसाइड फोर्स या आउटसाइड प्रेशर में आकर के स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा है, यानी उसका फ्री विल होना चाहिए, राइट। तो कोई पर्सन अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है बिफोर द कोर्ट जो सेल्फ हार्मिंग है तो ही वो एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। चलिए, क्योंकि एक पर्सन के लिए ये बहुत इजी है कि वो स्टेटमेंट्स अपने फेवर में दे, अपने बचाव में दे। अब देखो, हमारे पास एक केस है सरदार तारा सिंह वर्सेस गोल्ड फील्ड लेदर वर्क्स। तो ये सेक्शन आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। आप लेक्चर ध्यान से समझ लो, सुन लो, और फिर जब आप डायरेक्ट रीड करोगे तो ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज मैं कोई नोट्स नहीं बनवाऊंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको लिखवा दूंगा। अब देखो, हमारे पास केस है सरदार तारा सिंह वर्सेस गोल्ड फील्ड लेदर वर्क्स। सरदार तारा सिंह वर्सेस गोल्ड फील्ड लेदर वर्क्स। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया कि ये जनरल रूल है कि स्टेटमेंट ऑफ अ लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन का स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिसीव्ड अनलेस दे आर अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, जब तक वो स्टेटमेंट उस लिविंग पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होता है तब तक उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट नहीं मान सकते हैं। दिस हैज बीन हेल्ड इन सरदार तारा सिंह वर्सेस गोल्ड फील्ड लेदर वर्क्स। तो लिख लो, इट हैज बीन हेल्ड दैट statement of a living person cannot be received statement of a living person cannot be received unless they are against his interest, ठीक है? ओके, तो अब आइए हम सेक्शन 21 को अच्छे से समझते हैं। देखो सेक्शन 21 क्या कहता है। सेक्शन 21 कहता है एडमिशंस रेलेवेंट होंगे एंड मे बी प्रूव्ड, और इन्हें एविडेंस के तौर पे हम प्रूव कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। तो एडमिशंस रेलेवेंट हैं और इन्हें हम प्रूव कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट उन पर्सन्स के अगेंस्ट में जिन्होंने ये एडमिशन दिया है बिफोर द कोर्ट। यानी एक पर्सन जो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वेदर इन राइटिंग, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, राइट, जो हमें एक डेफिनेट कंक्लूजन तक ले करके जा रहा है, जो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट को क्लियर कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम एडमिशन तब मानेंगे जब वो स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, यानी सेल्फ हार्मिंग होगा, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या अगर उसने अपने जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को प्रोड्यूस किया है बिफोर द कोर्ट, तो वो उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव का जो स्टेटमेंट है एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट तब माना जाएगा जब जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अगेंस्ट हो। बट इट कैनॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स देम। तो अगर एक पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो स्टेटमेंट उसके बिहाफ में है या उसके इंटरेस्ट के फेवर में है, उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा है, तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट हम एडमिशन के तौर पे रेलेवेंट नहीं मानेंगे, राइट। तो यही है सेक्शन 21। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एडमिशंस आर रेलेवेंट। देखो एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो मेरा कि जो प्रोविजंस हैं विद सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, ठीक। और मेरी यही कोशिश रहती है कि सबसे पहले मैं आपको सेक्शंस अच्छे से समझा दूँ, सेक्शन के जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें आपको समझा दूँ, तब सेक्शंस लिखूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ आप लिखोगे कि सेक्शन 21 एडमिशंस आर रेलेवेंट and may be proved against the person, who makes them, और उसका रिप्रेजेंटेटिव और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, बट cannot be proved by or on behalf of person who makes them or representative in interest। देखो याद हो गया, but cannot be proved by or on behalf of person देखते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, so this is the general rule of law of evidence which have been given in section 21 of Indian Evidence Act. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को भी सेक्शन 21 होल्ड करता है, जहां एडमिशंस को हम रेलेवेंट मानेंगे और इट मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन, ये जनरल रूल है। अब कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहां एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु मेक्स देम, एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे अब जैसे मान लो इसी पर्टिकुलर सेक्शन का हम एक इलस्ट्रेशन अगर लें, आपके बेयर एक्ट में दिया है कि द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज or is not forged. A affirms that it is genuine. ठीक है, तो सेक्शन 21 के जनरल रूल पे एक इलस्ट्रेशन है कि एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। इसका एक इलस्ट्रेशन है आपके बेयर एक्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि एक सर्टेन डीड को लेकर के क्वेश्चन है कि वो डीड फॉर्ज्ड है, यानी जाली है या जेन्युइन है, असली है। तो ए अफर्म्स दैट, ए कहता है कि ये क्या है, जेन्युइन है। वहीं बी कहता है इट इज व्हाट, इट इज फॉर्ज्ड। तो यहां देखो, यहां कह रहा है A may prove a statement by B that deed is genuine. तो यहाँ पे A खुद से ये नहीं कह सकता है कि जो deed है वो genuine है, और B खुद से नहीं कह सकता है कि जो deed है वो forged है। लेकिन B ये कह सकता है कि A ने ये कहा था कि जो डीड है वो क्या है, जेन्युइन है, राइट। ए मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट डीड इज जेन्युइन, राइट, एंड बी मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट डीड इज फॉर्ज्ड। और इसी तरह तो यहां पे ए ये कह सकता है कि बी ने कहा था कि जो डीड है वो क्या है, फॉर्ज्ड है। वहीं बी कह सकता है ए ने कहा था कि जो डीड है वो क्या है, जेन्युइन है। लेकिन ए खुद से ये नहीं कह सकता है कि जो डीड है वो क्या है, जेन्युइन है, ना ही बी ये कह सकता है कि जो डीड है वो क्या है, फॉर्ज्ड है। तो खुद से आप अफर्म नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरे पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को आप बिफोर द कोर्ट प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। ये है इलस्ट्रेशन। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं सेक्शन 21 के कुछ एक्सेप्शंस। अब चलिए, बारिश आ रहा है तो हम सेक्शन 21 को यहीं स्टॉप करते हैं। आने वाले वीडियो में हम सेक्शन 21 के एक्सेप्शंस को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस आपको किसी मैनर में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।